नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रभाग की बात, रिपोर्टर जोया के साथ, और मैं हूँ जोया खान। जी, हम इस वक्त मौजूद है नागपुर के पूर्वी विभाग में, जिसे प्रभाग 6 भी कहा जाता है। और इस विभाग की एक काफ़ी प्रसिद्ध बात है, जहाँ पे भवानी मंदिर है, और भवानी मंदिर काफ़ी महाराष्ट्र में प्रख्यात है। जी हाँ, लेकिन एक बात ये है, हम इस विषय पर चर्चा करने निकले हैं कि इस प्रभाग 6 में क्या क्या विकसित कार्य हुए हैं हमारे नगर सेवक द्वारा, और क्या क्या कार्य अभी भी बाकी है, पूर्ण हुए नहीं है, तो हम इसी पर चर्चा करने निकले हैं। तो चलिए मेरे साथ। प्रभाग अगर खूबसूरत हो तो नगर सेवक का काम नजर आता है, और जब ना हो तो जनता की परेशानी भी सामने आती है। तो आइए, प्रभागों की स्थिति में हम आज आ पहुंचे हैं पारडी के प्रभाग पुराना क्रमांक 25, यानी कि आज के प्रभाग 6 में, जो कि पारडी में आता है। यहाँ की पहचान भवानी मंदिर है, जो काफी प्रचलित भी है, और पूरे विदर्भ से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस परिसर की स्थिति के बारे में जानने के लिए आज हम मुलाकात करेंगे यहाँ के नगर सेवक दीपक वाड़ी भस्मे जी से, और उनसे बातचीत के दौरान जानेंगे कि उन्होंने नगर सेवक के पद पर रहते हुए प्रभाग 6 के लिए अब तक क्या क्या कार्य किए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पारडी के प्रभाग पुराना 25 और नया 6 में, और इस वक्त हमारे साथ नगर सेवक भी मौजूद है दीपक जी वाड़ी भस्मे। तो सर, मेरा आपसे ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन 5 सालों में एज नगर सेवक आपने क्या किया है। सबसे पहले मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को प्रभाग 25 और नई 6 के जनता को नमस्कार करता हूँ। और जिस वक्त 2017 में इस प्रभाग का मैं नेतृत्व किया और उम्मीदवारी जब मिली मेरे को, तो मैं जनता के समक्ष जाने पर जनता की बहुत बड़ी समस्या थी, और जनता की महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या थी कि इस प्रभाग में हजारों के ताकत में तहत में टैंकर आते थे, और वो टैंकर महिलाओं को इतनी परेशानी होती थी, 3 दिन के आड़ 4 दिन के आड़ आते थे। उसके वजह से सबसे पहला अगर मेरा ध्यान गया तो इस प्रभाग के टैंकर मुक्त किया, यह सबसे पहला इस परिसर का बहुत बड़ा मुद्दा था, और यहाँ की प्रभाग के महिलाओं का और पुरुषों का सबसे बड़ा मुद्दा रहने के कारण मैं टैंकर मुक्त इस परिसर को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े के माध्यम से इस पूरे प्रभाग में मैंने अमृत योजना के माध्यम से पूरा नल की लाइन का जाल बिछाया, और यह प्रभाग 25 को टैंकर मुक्त की राह पर लेने के जाने का प्रयास पूरे पर किया। टैंकर मुक्त होने के बाद मेरे प्रभाग में और बहुत सी ऐसी समस्या थी। पहाड़ी में एक NMC का दवाखाना है, वो इतना एकदम परिस्थिति उसकी इतनी बेकार थी कि वहाँ पर कोई भी जाता था तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था पूरी पूर नहीं थी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते थे। तो उस माध्यम से जब नागरिकों का मेरे को वहाँ पर विनंती आई, तो वो दवाखाना मैंने नागरिकों की सेवा के लिए एक अति उत्तम दवाखाना करने का पूरा प्रयास किया, और पहाड़ी में एक ही एकमेव NMC का दवाखाना रहने के कारण वहाँ पर OPD भी 80-100% लोगों की रहती है, और वहाँ पर एक दवाखाने का काम भी लोगों के जनता के माध्यम से मैंने वो भी एक NMC का दवाखाना अच्छा कर किया मेरे कार्यकाल में। दूसरा, यहाँ पर एक महारानी स्कूल है पहाड़ी सुभाष मैदान में, वो मैदान में सुभाष मैदान स्कूल में महारानी स्कूल है मनपा की, वो स्कूल एक अच्छा डेवलप होना चाहिए करके मैंने वो स्कूल को ई लाइब्रेरी के माध्यम से, ये डिजिटल के माध्यम से, वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसको मैं ई डिजिटल का भी उसका अभी वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसका भी काम जल्द से जल्द, और वो मैदान में आई ब्लॉक का काम और बच्चों के लिए व्यायाम ग्रीन जिम और बच्चों का खेलने का सामान भी मैंने लगाकर उस परिसर के नागरिकों को भी उसका लाभ मिला, ऐसा वो भी सुविधा वहाँ पर मैंने की। तीसरा काम, वहाँ पर अशोक नगर बैलसा परिसर में
पाँच साल पहले के नगर सेवक थे उनको 25 बार लोगों ने बताया कि यहाँ पर गटर लाइन का काम बहुत महत्व का है, क्योंकि लोगों का पुरानी गटर लाइन 50 साल पुरानी गटर लाइन खराब हो गई थी और सब गंदा पानी रोडों से बह रहा था। तब लोगों ने विनंती की थी उनको कि हमको गटर लाइन डाल के दो, लेकिन जब मैं चुन के आने के बाद उस परिसर में माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े इनकी निधि से मैंने पूरी गटर लाइन बिछाई और वहाँ पर भी गटर लाइन का काम पूरा होकर अभी सीमेंट रस्तों का भी काम पूरा काम चालू है और वो भी काम 100% पूरा करने के प्रयास में है। दूसरा, प्रभाग 25 में बहुत सी जगह आउटर लेआउट भाग है, वहाँ पे डामरीकरण नहीं हुए थे, वेस्ट वाटर लाइन का काम नहीं हुआ था। ये सभी काम मैंने मेरे कार्यकाल में वेस्ट वाटर लाइन और डामरीकरण का काम पूरे 90% पूरे परिसर में किया। 10% ऐसा भाग रहा वो भी आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शन के पहले जो बचाव एरिया है उसका भी काम हम 100% काम शुरू करने वाले हैं। ये भी काम जनता के हित में होने वाला है और जनता ने जिस आशय से हमको चुन के दिया था 2017 में और वही लक्ष्य रखते हुए हमने पूरा काम करने का प्रयास किया। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से 3,300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसके भी काम यहाँ पर लगभग 100 फुट के रोड, 80 फीट के रोड, 40 फीट के रोड के भी काम शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर एक में वो ऐसा प्रभाग है क्या, नंबर एक का प्रभाग, यानी जितना 50 साल पीछे रहने वाला प्रभाग आज एक में वो अच्छा प्रभाग रहने की इस पर आ गया और लोगों की भी इच्छा है कि जो इतने सालों में नहीं विकास हुआ वो ये 2017 से 2022 तक यहाँ के नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने मैंने यहाँ पर लग के माननीय आमदार साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय गडकरी साहब के माध्यम से, माननीय महापौर साहब के माध्यम से इस परिसर में एक में वो अच्छा विकास करने का पूरेपूर प्रयास किया। और यहाँ पर आप घूमेंगे तो आपको एक नया चित्र इस प्रभाग का दिखेगा और एक अच्छा चित्र इस प्रभाग का हुआ है। और जनता से हमारी यही उम्मीद है कि जो इतने सालों में कोई नगर सेवक नहीं कर पाए हम लोग कर पाए, यही आगे भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को चुन के दे यानी 2022 में महानगर पालिका की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में नागपुर महानगर पालिका में लाए। यही आप लोगों से माध्यम से मैं जनता को विनंती करता हूँ और उनका शत-शत आभार करता हूँ कि उन्होंने हमको 2017 में चुन के दिया और 2022 तक का कार्यकाल एक में वो अच्छा कार्यकाल इस परिसर में रहा। कोरोना काल में बहुत अड़चनें भी आई थी और उसको भी अड़चने हमने उनको मदद कैसे की जाए, उनको कैसी व्यवस्था की जाए, उस माध्यम से हमने काम किया। जो काम बैलेंस है वो भी काम आने वाले समय में करने वाले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनता को प्रभाग 25 और प्रभाग 6 की नई जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे जैसे नगर सेवक को यहाँ पर चुन के दिया और एक अच्छा काम करने का मौका दिया और आगे भी हम अच्छा काम करेंगे। यही आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और अपने जो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से विचार हमको पूछे, जो प्रश्न पूछे और जो रहे हुए प्रश्न है वो भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पारडी प्रभाग 6 के नगर सेवक दीपक जी वाड़ी भस्मे, जिन्होंने हमसे मुलाकात कर ये बात साझा की कि उन्होंने नगर सेवक के बतौर इस प्रभाग में क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये था इसका पहला पहलू। तो दूसरे पहलू के वक्त हम आपको ले चलेंगे इस प्रभाग के विपक्ष की ओर और जानेंगे उनसे कि क्या सही में इस प्रभाग के कार्य पूरे हुए हैं या कुछ कुछ कार्य अभी भी विलंबित है। तो देखते रहिए वीकेबी न्यूज़ प्रभाग की बात रिपोर्टर जोया के साथ।